हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जंगे एंड आई अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज एनआरपी नीट फिजिक्स सेशन। देखिए, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, एक्चुअली वो टॉपिक अपना फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली जो प्रीवियस टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, जैसे कूलम्स लॉ हमने डिस्कस किया और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने डिस्कस किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किया। एक्चुअली तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगर हम बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमने एक और नाम दिया था, और वो नाम क्या था? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। एक्चुअली क्या था? डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, और यू कैन से डिसकंटिन्यूअस नेचर ऑफ चार्ज। देखिए, कूलम्स लॉ को जो हमने डिस्कस किया है वो एक्चुअली डिस्क्रीट चार्जेस के लिए डिस्कस किया है। डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग चार्जेस के लिए, कि देयर इज ए चार्ज Q1 एंड अनदर चार्ज Q2, और इनके बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन है आपके पास R। तो यू कैन सी कि यहां जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो स्पेस देख रहा है आप Q1 Q2 के बीच में, तो चार्ज कैसे डिसकंटिन्यूस है। बट यहां जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो क्या कर रहा है? कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज डिस्कस करना है। कूलम्स लॉ में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, जहां भी आपने कूलम्स लॉ की हेल्प से फोर्स निकाला है, वहां सब जगह हमने चार्ज को कैसा ट्रीट किया है? डिसकंटिन्यूस ट्रीट किया है, डिस्क्रीट ट्रीट किया है, चार्जेस को अलग अलग लेके हमने क्या निकाला है? फोर्स निकाला है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस नेचर ऑफ चार्ज? देखिए, इसको अपन एक जनरल एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अपने डेली लाइफ से रिलेट करते हैं इस एग्जाम्पल को और अंडरस्टैंड करते हैं कि कंटिन्यूस क्या है और डिसकंटिन्यूस क्या है। पहले एग्जाम्पल अपन चार्ज की फॉर्म में लेते हैं। अगर हम किसकी बात करते हैं, किसी भी चार्जिंग बॉडी की अगर बात करते हैं, चार्जिंग बॉडी, अगर आप किसी चार्जिंग बॉडी की अगर बात करेंगे, तो चार्जिंग बॉडी सपोज करिएगा कि देयर इज अ बॉडी एंड द बॉडी कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज कंटेन करती है बॉडी? नेगेटिव चार्ज कंटेन करती है। तो आप उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिमाइंड करो जहां हमने ये डिस्कस किया था कि इफ अ बॉडी हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इट मींस देयर इज आइदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस सपोज करो कि इस बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इस पे चार्ज कितना आया? 1e, -1e। दूसरे इलेक्ट्रॉन को गेन किया -2e, तीसरे इलेक्ट्रॉन को गेन किया -3e। ये जो चार्ज अपने पास आ रहा है, ये कैसा आ रहा है? डिसकंटिन्यूस आ रहा है। लेकिन ये डिसकंटिन्यूस कब नजर आएगा आपको? जब इसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं। कौन से लेवल पे देखते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखेंगे तो चार्ज हमें कैसा नजर आएगा? डिसकंटिन्यूस। लेकिन सपोज करो कि ये आपके पास सरफेस है, इसका चार्ज आप देख रहे हैं कि इसके चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। बट ये जो सेपरेशन आप देख पा रहे हैं चार्जेस के बीच में, ये वाला सेपरेशन हमें कब नजर आता है? जब हम इस सरफेस को जूम करके देखते हैं। एक्चुअली या तो आप इसे जूम करके देखेंगे या फिर आप इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब देखेंगे, तो ये हमें कैसा ट्रीट होगा? डिसकंटिन्यूस ट्रीट होगा। लेकिन अगर इसी को आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हमें कैसा ट्रीट होगा? कंटिन्यूस ट्रीट होगा। अब देखिए, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल कि सपोज करो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, ये कुछ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज है आपके पास। अगर हम इन ट्रीज को देखें, थोड़ा ध्यान से आपको इसको देखना पड़ेगा। देखिए, आप इसको पास से देख रहे हैं, तो जब आप पास से देखेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे, तो आप इजिली सेपरेशन को फील कर पाते हैं कि जो ट्रीज हैं उनके बीच में क्या है? फाइनाइट सेपरेशन है। मींस दे आर डिसकंटिन्यूस।
बट आप थोड़ा सा यहाँ से अपने डिस्टेंस को इंक्रीज कर लो, आप यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ाएंगे थोड़ा दूर से, जब पेड़ पेड़ को देखेंगे आप, इन ट्रीज को जब थोड़ा दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि दे ऑल आर द कंटिन्यूस, ये हमें लगातार दिखने लगेंगे। मींस जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ, वो गैप हमें क्या नहीं आता, नजर नहीं आता। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमने अपनी कंडीशंस को क्या किया है, चेंज किया है एक्चुअली। अदरवाइज जब इनको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं तो इनमें हमें क्या नजर आ रहा है, फाइनाइट सेपरेशन नजर आ रहा है इनमें, तो दे लुक लाइक अ डिसकंटिन्यूअस बॉडी। बट यही हमें कंटिन्यूअस नजर आते हैं, लेकिन कब, जब थोड़ा सा दूर से इनको क्या किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल, वी कैन रिलेट इट विद आवर डेली लाइफ। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज करिएगा कि देयर इज अ फ्लाई ओवर, और इस फ्लाई ओवर पे लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़े हैं या चल रहे हैं, जैसा भी आप ट्रीट करें कर सकते हैं। ये देखिए, दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स, अगर इनको आप पास से देख रहे हैं तो ये आपको डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं सभी। लेकिन अगर इनको आप थोड़ा दूर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि दे ऑल आर कंटिन्यूअस, आपको कोई गैप नजर नहीं आएगा, और ऐसा लगेगा कि फ्लाई ओवर के ऊपर जो व्हीकल्स है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस गैप को फील कब होता है और कब नहीं होता, ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, नहीं तो इसी को आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और इसी को डिसकंटिन्यूअसली देख रहे हैं एक्चुअली। तो आप इन सब चीजों को, इसे आप चार्ज ट्रीट करिए ना, इसे क्या ट्रीट करें हम, चार्ज ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप इसे चार्ज ट्रीट करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये हमें कैसा नजर आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस, और मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें कैसा नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। ओके, सो यही अपना आज का टॉपिक है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए, अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो अनडाउटली कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि मैनी ऑफ टाइम्स यहां से क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, मान के चलिएगा आप इस बात को। ओके, सो इसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम क्या करने वाले हैं, अभी डिस्कस करने वाले हैं, इट इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अभी बेसिकली क्या है आपके पास, कि हम यहां तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यहां, वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल समझते हैं कि हम यहां पर क्या डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली। देखिए, टॉपिक अपना क्या है, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया, तो कूलम्स लॉ में जो चार्जेस थे अपने एक्चुअली, वो कैसे थे, अलग अलग चार्ज थे, एक चार्ज यहां पे रखा हुआ है, दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ है, डिस्क्रीट चार्जेस का फोर्स अभी तक हमने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। अब हमें डिस्क्रीट चार्जेस के फोर्स को कैलकुलेट नहीं करना है, अब हमें जो फोर्स कैलकुलेट करना है वो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, सो देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उनमें से पहला डिस्कस अपन करने जा रहे हैं, और वो है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहले टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू गाइस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, वन डायमेंशन में चार्ज को हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, अगर चार्ज को किसी लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए,
तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहलाएगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम डायग्रामेटिकली कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? सपोज करिए इट इज अ लाइन, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व। सपोज करो कि स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और अगर इस चार्ज के हर एक स्मॉल एलिमेंट के चार्ज को अगर हम देखेंगे तो वो हमें कंटिन्यूस नजर आएगा। चार्ज को इस प्रकार से यूनिफॉर्मली क्या किया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। मान लीजिए कि इस होल लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो चार्ज कितना है? प्लस क्यू, और दैट इज ए बी, और ए बी पोर्शन के लेंथ को हमने क्या मान लिया? एल मान लिया। ओके, सेम मैनर में अगर आप इस लाइन को स्ट्रेट लाइन लेंगे, नो डाउट आप स्ट्रेट लाइन कंसीडर करके भी कर सकते हैं इसको। ये लीजिए, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किसी लाइन के लोग। ठीक है, अगेन द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल्स टू एल। सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ कौन होगा आपके पास? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर हम बात करते हैं लैम्डा के एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट ऑफ लैम्डा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिए, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम, और लेंथ आपके पास क्या है? मीटर। सो कूलम पर मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब देखिए, किसी भी अगर हम लेंथ ए बी की बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ अ वेरी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स। ऐसे किसी एक एलिमेंट को हम यहां कंसीडर करते हैं। सपोज करिए कि आपने ये स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, तो इस स्मॉल एलिमेंट का जो चार्ज है वो हम क्या लिख सकते हैं? डी क्यू, और इसके लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डीएल से। तो अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी को स्मॉल एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया जाए, फॉर स्मॉल एलिमेंट, अगर आप इसे स्मॉल एलिमेंट के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डीएल। Lambda is equals to dq by dl. That is the linear charge density for a small charge element. Okay? So ये आपके पास first type का क्या है? Distribution है, जिसे हम बोलेंगे linear charge distribution. देखिए, इसके theoretical concept से कहीं ज्यादा important होगा इसका numerical concept. After completing such type of explanation, I'm going to tell you a very very important numericals of that particular topic. Okay? So, बड़ी clearly और बड़े ही ध्यान से इस topic को हमें समझना है कि how to solve such type of problems. देखिए, इसका जो force हम calculate करने वाले हैं वो अपने आप में एक numerical concept ही आप ऐसा मान सकते हो। कैसे हम अभी अपने किसी point charge के ऊपर force निकालेंगे? किसी linear charge distribution की वजह से। तो अभी जो next concept अपना इसमें होगा वो क्या होगा कि भाई फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमें किसी पॉइंट चार्ज पे क्या कैलकुलेट करना है? फोर्स कैलकुलेट करना है।
और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वैसा मान के चलिएगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन आप कैलकुलेट करेंगे इसका बिल्कुल हूबहू इसी मेथड से क्या होने वाले सॉल्व होने वाले। सो देखिए क्या है, सपोज करिएगा कि आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक लाइन आपके पास एक लेंथ है ए बी, दिस इज ए बी, और ए बी पोर्शन का लेंथ एक्चुअली हमने क्या मान लिया, एल मान लिया, और इसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। This is continuous charge distribution. और इस पूरे continuous charge distribution की वजह से और हमें किसी point charge Q naught पर क्या calculate करना है, force calculate करना। We are going to calculate the force on a point charge Q naught due to this whole line charge distribution. तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग द फोर्स, सबसे पहले जहां भी आपको कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं, आप एक स्मॉल एलिमेंट सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो स्मॉल एलिमेंट कहीं भी ए से और बी के बीच में जहां भी आपका मन करता है आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करिए। सपोज करो कि मैंने ये स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया ये वाला, और इस स्मॉल एलिमेंट को मैंने एक नाम दे दिया सीडी। सीडी इज ए स्मॉल एलिमेंट, और इस सीडी एलिमेंट का जो लेंथ है वो आपने मान लिया डीएल, और जो चार्ज है वो हमने क्या मान लिया डीक्यू। डोंट फॉरगेट दिस इज इनफाइनाइटसिमल स्मॉल, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज डीक्यू, बहुत ही स्मॉल चार्ज है आपके पास ये। तो हम पहले क्या करेंगे, ये डीक्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं। सो डी क्यू मीन स्मॉल एलिमेंट, जितना चार्ज आई मीन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किस पर, क्यू नॉट के ऊपर। देखिए ये वाला आपके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एंड देट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिटेल करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसे df वेक्टर कहेंगे आप, और फोर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूनिट वेक्टर, और वो हमने क्या यूज कर लिया, r कैप। ओके, सो अब आप कूलम्स को यूज करके इनिशियली क्या निकाल सकते हैं, df निकाल सकते हैं, स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड ऑन q नॉट बाय dq। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ अगर आप df कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वो क्या आएगा, 1/4 πε0 dq q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर, और इनटू आपके पास क्या आएगा, r यूनिट वेक्टर। दिस इज द स्मॉल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट चार्ज q नॉट बाय द स्मॉल एलिमेंट dq। बट हमें फोर्स dq एलिमेंट की वजह से नहीं निकालना है, हमें तो होल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है। तो देखिए आपने कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा मैथमेटिक्स में कि जब आपको चीजों को तोड़ना होता है तो हम डिफरेंशिएशन यूज करने होता है, लेकिन जब आपको चीजें जोड़नी है, टोटल निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ओके, सो टोटल फोर्स ड्यू टू होल लेंथ अगर निकालना है तो आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो इंटीग्रेशन से हम क्या निकाल पाएंगे, टोटल लेंथ। सो बिफोर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, आप यहां कौन से कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक्चुअली लैम्डा क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की बात हो रही है, और यहां से जब आप डी क्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा डी एल। डी क्यू आपके पास क्या आएगा, लैम्डा डी एल आएगा। सो आप चाहे तो क्यू नॉट की वैल्यू यहां क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो df आया वो df आ गया 1/4 πε0 dq को हम क्या लिखेंगे, लैम्डा dl, और इनटू आपके पास क्या है, q नॉट डिवाइडेड बाई r स्क्वेयर, और इनटू आपके पास क्या है, r यूनिट वेक्टर। अब देखिए टोटल फोर्स जब आप यहां से आप निकालेंगे तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट ओवर द होल लेंथ वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को होल लेंथ पे क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएफ, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ आएगा, इंटीग्रेशन ओवर द होल लेंथ एल एंड आपके पास क्या है लैम्डा डीएल इंटू आपके पास क्या है क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है आर स्क्वायर इंटू क्या है आर यूनिट वेक्टर और इंटू में क्या बच गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट। कहने को तो यही अपना एक्चुअल में क्या है आंसर है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को यहां से इंटीग्रेशन से बाहर भी लिख सकते हैं। तो टोटल फोर्स और ए चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, आप यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट को बाहर लिख सकते हो, दिस इज क्यू नॉट आप यहां से बाहर लिख सकते हैं, तो आपके पास क्या बच गया इंटीग्रेशन ओवर ए होल लेंथ एल लैम्डा, ठीक है दिस इज डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट को बाहर लिखा यहां से क्यू नॉट बाहर आ गया लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वेयर और इंटू आपके पास क्या है आर यूनिट वेक्टर। ये जो आपके पास रिजल्ट जो आया दिस इज द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू होल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कैलकुलेशन आपने जनरली इसको किया है हूबहू कैलकुलेशन जो हम करेंगे वो एक्चुअल में किसके लिए करेंगे जैसा भी न्यूमेरिकल आपको पॉइंट चार्ज के मिलेंगे ना मान के चलना कि यही सेम कॉन्सेप्ट हम क्या करने वाले हैं उनके लिए यूज करने वाले हैं। इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स को आप और हम यहाँ क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके बाद क्या करने वाले डिस्कस करने वाले हैं। पॉज कीजिएगा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो अपना न्यूमेरिकल है आपके पास और ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी पैटर्न से आप और हम सॉल्व करेंगे जिस पैटर्न से हमने अभी अपने टॉपिक को डिस्कस किया है, फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए मेरा स्टेटमेंट क्या है ए पॉइंट चार्ज क्यू आपके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू है इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम वन एंड ऑफ ए थिन नॉन कंडक्टिंग रोड। जैसा स्टेटमेंट में कहा है वैसे वैसे आप और हम इसको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। आपके पास एक थिन नॉन कंडक्टिंग रोड है तो मान लीजिए कि ये क्या है थिन नॉन कंडक्टिंग रोड और इस नॉन कंडक्टिंग रोड का हमें लेंथ गिवन है कितना l, सो दिस इज द लेंथ l और इसके किसी एक एंड के पास कौन रखा अपना पॉइंट चार्ज q रखा होगा और ये डिस्टेंस हमें गिवन है d और कैपिटल q चार्ज को रो के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। हमें क्या निकालना है फोर्स निकालना है बिटवीन क्यू एंड क्यू। सो हूबहू उसी तरीके से आप और हम इसको सॉल्व करने वाले हैं जैसा अभी हमने अपने क्वेश्चन को क्या किया था सॉल्व किया। देखिए मैंने बताया और फिर आपको बता दूं कि जहां भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के न्यूमेरिकल्स होंगे स्टार्टिंग कहां से होगा स्मॉल एलिमेंट की कंसीडर करने से। यहां भी हम ऐसे ही करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप इस थिन नॉन कंडक्टिंग रोड का एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करो। स्मॉल एलिमेंट जब आप कंसीडर करेंगे तो ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया और इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज हमने मान लिया डी क्यू और इसका लेंथ हमने मान लिया डी एक्स। लेंथ हमने क्या मान लिया डी एक्स और ये डी क्यू पोर्शन जो आपके पास है ये क्यू नॉट आई मीन जो क्यू आपका चार्ज है यहां से किस डिस्टेंस पे लाई करता है एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है। ठीक है आप ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया स्मॉल एलिमेंट का चार्ज क्या हुआ डी क्यू। ठीक है और इसका जो स्मॉल डिस्टेंस है वो आपने क्या मान लिया dx। तो ये जो dq एलिमेंट है ये q चार्ज से किस डिस्टेंस पे लाई करता है x डिस्टेंस पे। गॉट इट। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पहले हम क्या निकालेंगे स्मॉल फोर्स निकालेंगे। स्मॉल फोर्स किस किस के बीच में निकालेंगे q
और डी क्यू के बीच में, तो स्मॉल फोर्स आपके पास आ गया डी एफ, सो विच इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, एक्स कंसीडर किया हुआ है। एंड एज आई टोल्ड यू कि भाई टोटल फोर्स निकालने के लिए होल लेंथ पे क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन करने से पहले हम थोड़ा और चेंज कर देते हैं, एज द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डीएल, और इसको डीएल ना लिख के हम क्या लिखेंगे, डीएक्स, क्योंकि पोर्शन का लेंथ हमने क्या माना हुआ है, डीएक्स माना हुआ है। ओके, सो यहां से अगर आप डी क्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा डीएक्स, क्या आएगा, लैम्डा डीएक्स। सो यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डीएक्स इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, और यहां से जो डीएफ आप कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 1/4πε0 क्यू, और डी क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, लैम्डा डीएक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप फील लेंगे टॉपिक का तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि बिल्कुल हूबहू हम वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं इसको जैसा हमने अपने जनरल टॉपिक को डिस्कस किया है। अभी क्या होगा, टोटल फोर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो डीएफ का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया एफ, आरएचएस पोर्शन का इंटीग्रेट करिए, दिस इज 1/4πε0, दिस इज क्यू लैम्डा डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू लैम्डा डीएक्स अपॉन क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन हम करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इंटीग्रेशन उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में होगा जो डी की फॉर्म में लिखा हुआ है, डी की फॉर्म में कौन लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्चुअली कौन लिखा हुआ है, एक्स। तो यहां जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। हम इसमें एक स्टेप और चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं, इससे पहले कि अपने नेक्स्ट स्टेप को इंक्रीज करें प्रॉपर लिमिट्स कंसीडर करते हैं, क्या लिमिट्स होंगी, देखिए लोअर लिमिट क्या होगी डी और अपर लिमिट क्या होगी डी प्लस एल, लोअर लिमिट क्या होगी आपके पास डी और अपर लिमिट क्या लिखेंगे आप डी प्लस एल, होल लेंथ पे क्या करना है हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये वाला चार्ज जो है इस वाले एंड से किस डिस्टेंस पे है डी, और ये वाला चार्ज इस वाले एंड से किस डिस्टेंस पे है डी प्लस एल डिस्टेंस पे है, तो लोअर लिमिट क्या बना आपका डी और अपर लिमिट क्या बन गया हमारे पास डी प्लस एल। हम एक स्टेप और क्या इंक्रीज करेंगे कि जो लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम होल रोड के लिए उसको लिखना चाहें, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर द होल रोड लिखेंगे तो लैम्डा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, और यहां से आप अगर क्यू निकालेंगे तो उसको आप क्या भी लिख सकते हो लैम्डा एल। तो आप कहीं अगर हमें रिक्वायरमेंट है इस चीज का इसका लैम्डा को तो हम लैम्डा को क्या लिख सकते हैं क्यू बाई एल भी लिख सकते हैं। तो हम यहां से एफ जब निकालेंगे तो आपके पास आएगा इंटीग्रेशन डी, डी प्लस एल इंटीग्रेट करेंगे आप इसे, सो दिस इज 1/4πε0 क्यू, लैम्डा को हम क्या लिखेंगे क्यू बाई एल एक्स स्क्वायर और इनटू आपके पास क्या है डी एक्स। ओके, चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अभी। सो एफ इज इक्वल्स टू यहां से जो नॉन एक्स टर्म है उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, 1/4πε0 बाहर लिखेंगे, स्मॉल क्यू बाहर लिखेंगे, कैपिटल क्यू बाहर लिखेंगे, एल बाहर लिखेंगे, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया आपके पास 1/x² इंटू डी एक्स। ओके, सो अभी हाउ टू इंटीग्रेट दिस, उसके लिए भी हम इजीली इंटीग्रेट कर देंगे इसको, सो दिस इज 1/4πε0 क्यू क्यू डिवाइड बाई एल, क्या करेंगे एक्स की पावर -2+1 डिवाइड बाई -2+1 एंड जस्ट पुट द लिमिट्स डी से डी प्लस एल, क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, अब हमें सिर्फ लिमिट्स को पुट करना है खाली, और जब आप लिमिट्स को पुट करेंगे तो वी फाइनली गो टू द आंसर। देखिए क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल, यहां से एक्स की पावर -1, यहां से -1,
तो माइनस वन को मैंने लगा दिया बाहर, यहां से आ गया वन बाई एक्स, पहले लोअर लिमिट और फिर अपर लिमिट. सो दिस इज माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल, अपर लिमिट पुट करेंगे वन अपॉन डी प्लस एल माइनस वन अपॉन डी, और इस माइनस से अंदर क्या कर ले आप मल्टीप्लाई कर ले. सो ये आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइड बाई एल. ठीक है, देखिए यहां से आप क्या लेंगे डी, ये माइनस का है डी प्लस एल और इंटू डी एल से लेंगे, तो माइनस डी प्लस एल, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया. सो दिस इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल, क्या बचेगा आपके पास यहां से एल अपॉन डी प्लस एल इंटू डी, एंड दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू. ओके, जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन. अभी देखिए अपना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्या है, इसको ध्यान से देखो आप. अ थिन फिक्स्ड रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, रिंग का जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ 1 मीटर, तो मैंने ए जो है वो कितना मान लिया 1 मीटर मान लिया. हैज अ पॉजिटिव चार्ज और इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, चार्ज कितना है 1 × 10⁻¹⁵ कूलम, यानी कि इस वाली रिंग पर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. ठीक है, देखिएगा आगे क्या कहता है. A particle of mass 0.9 gram, एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दिया हुआ 0.9 gram और आप इसे अभी किसमें कन्वर्ट कर ले किलोग्राम में. ठीक है, एंड हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁶, दैट इज द नेगेटिव चार्ज −Q. सो पार्टिकल का चार्ज हमें गिवन है 1 × 10⁻⁶ कूलम. आपके पास है चार्ज हमें गिवन है क्यू −1 × 10⁻⁶, तो ये वाले चार्ज की वैल्यू गिवन आपको −1 × 10⁻⁶. अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमें करना क्या है, शो दैट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक. हमें इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को सिंपल हार्मोनिक शो करके दिखाना है. ओके, और हमें उसका कोण भी कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है. थोड़ा सा इसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन का नॉलेज होना चाहिए. एक्चुअली प्लस वन में आपने जरूर डिस्कस किया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में द रिस्टोरिंग फोर्स हैज द डायरेक्ट रिलेशन विद द एक्स, और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन. एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन. अगर हम इस कंडीशन को यहां पर फुलफिल कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि −Q चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, अदरवाइज इट मे बी ऑसिलेटरी मोशन. सो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, सो लेट अस अंडरस्टैंड. देखिए वापस आप उस कॉन्सेप्ट को रिमाइंड किए जो आप और हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कि जहां कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी वहां स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे आप पहले. तो हमने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया और इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज हमने क्या लिया DQ, और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं DL. ओके, तो पहले अपन इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से और −Q चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं. ओके, तो देखिए ये चार्ज आपके पास क्या है पॉजिटिव, ये वाला चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो DQ −Q चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स DF, और ये एंगल आप क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए. ओके, और अपन DF को दो कंपोनेंट्स में क्या करेंगे रिजोल्व करेंगे. सो दिस इज द DF साइन थीटा एंड दिस इज द DF कोस थीटा. ठीक है, और ये डिस्टेंस अपनी मर्जी से क्या मान लीजिए आप R मान लीजिए. अब देखिए होगा क्या कि जो एलिमेंट आपने जहां कंसीडर किया है एक और एलिमेंट सिमेट्रिकली हम कंसीडर करेंगे. सिमेट्रिकली मींस इससे जस्ट ऑपोजिट, मींस डायमेट्रिकली ऑपोजिट. जब आप एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और एलिमेंट कंसीडर करोगे तो उस एलिमेंट की वजह से भी यहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे फोर्स.
उसको भी फिर आप दो कंपोनेंट्स में क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, और कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कौन से कंपोनेंट बचेंगे हमारे पास, सिर्फ कोस कंपोनेंट्स। तो यानी कि माइनस क्यू चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स कौन से कंपोनेंट्स की वजह से ही होगा, कोस कंपोनेंट्स की वजह से ही होगा। साइन कंपोनेंट हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के लिए क्या होते रहेंगे, कैंसिल होते रहेंगे, और हमारे पास कौन बचते रहेंगे, कोस कंपोनेंट, और सभी कोस कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग अलोंग द एक्सिस। ओके, सो टोटल फोर्स जब आप निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज के ऊपर, तो वो हम कैसे निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएफ कोस थीटा, इंटीग्रेशन डीएफ कोस थीटा से निकाल देंगे। तो अब डीएफ की वैल्यू अगर आप यहां से रखेंगे डीएफ, तो वो क्या आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, दिस इज क्यू बाई आर स्क्वायर, और इनटू आपके पास क्या है कोस थीटा, और कोस थीटा आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, कोस क्या होगा बेस अपॉन द हाइपरट्यूज, तो हम कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस, बेस के अपने पास क्या होगा एक्स, और हाइपरट्यूज अपने पास क्या आएगा आर, हाइपरट्यूज क्या आएगा अपने पास आर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिएगा, इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डी क्यू क्यू आर क्यू, और इनटू आपके पास क्या है एक्स। अब देखिए एक काम और हम यहां पे करते हैं, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, मैंने यहां पे एक साइन पुट कर लिया नेगेटिव साइन फोर्स के साथ, द नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स नेचर में कैसा है, अट्रैक्टिव है। और आप अगर यहां आर की वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो हम यहां से आर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, आर को हम यहां से क्या पुट करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। सो फाइनली आपके पास क्या आएगा, देखिएगा, एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज डी क्यू क्यू डिवाइड बाई आर क्यू, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू, और इनटू आपके पास क्या है एक्स। आप ध्यान से देखिए आगे कि क्या ये इक्वेशन इससे मैच करता है कि नहीं करता। अब एक्चुअली अगर हमें चार्ज पार्टिकल के मोशन को अगर सिंपल हार्मोनिक शो करना है, और सिंपल हार्मोनिक अगर हमें प्रूफ करना है, तो हमें इस इक्वेशन में इसको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऑसिलेटरी तो होगा बट सिंपल हार्मोनिक को इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिएगा, एफ इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू, और यहां क्या बचेगा, इंटीग्रेशन डी क्यू, और इंटीग्रेशन डी क्यू को सिंपली आप क्या लिख पाएंगे, क्यू लिख पाएंगे, इंटीग्रेशन डी क्यू को हमने क्या लिख दिया, क्यू। तो अगर इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहां एफ का x के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो मुझे नजर आ रहा है, बट कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में भी मुझे कौन नजर आ रहा है, x नजर आ रहा है। सो इट मे बी ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। सो हाउ टू प्रूफ दैट फोर्स इज हार्मोनिक, तो उसके लिए कंडीशन आप और हम यहां डिस्कस करेंगे। कंडीशन क्या होगी, इफ क्या करेंगे आप, द ए स्क्वेयर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर, कि ये वाला जो डिस्टेंस आपके पास है बहुत ही स्मॉल है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तो हम यहां हायर टर्म्स ऑफ एक्स क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप सिंपली ऐसा भी कह सकते थे यहां कि इफ ए इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, और यू कैन से ए स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। सो फाइनली आपके पास क्या आ गया, एफ माइनस वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स, और डिवाइड बाय ये वाली टर्म को आप क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप किसे नेगलेक्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, और तो क्या बचेगा आपके पास, ए क्यू। ठीक है, अब यहां से हम क्या लिखेंगे, एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स
और f is equals to minus kx. अब यहां देखिए कि हमने k किसको लिखा है, हमने बेसिकली ये वाली टर्म को क्या लिखा है, k लिखा है. तो वेहर k is equals to, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कैपिटल q स्मॉल q डिवाइडेड बाय a q. ठीक है, अब देखिए हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा. लेकिन उसके लिए कंडीशन हमने लगा दी, और वो कंडीशन हमने क्या लगा दी कि भाई आपके पास ए स्क्वायर इज मच मोर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए. नाउ हाउ टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ पे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा. और इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, सो टी इज इक्वल्स टू 2 pi बाय ओमेगा. याद करो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 pi बाय ओमेगा. और जो आपके पास ओमेगा है, याद करिए कि ओमेगा की वैल्यू आपने क्या लिखी होगी, रूट एम बाई के लिखी होगी. एम इज द मास फैक्टर एंड के इज द स्प्रिंग फैक्टर. यू कैन से के की वैल्यू आपके पास क्या है, ये रही, पुट कर दो यहां पे. सो टी इज इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट ऑफ एम, और के की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए क्यू. बाई पुटिंग दीज ऑल डेटा इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला वी कैन गेट द टाइम पीरियड ऑफ चार्ज माइनस क्यू. ओके, आई होप दैट न्यूमेरिकल इज वेरी मच क्लियर टू यू, जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन. अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपना, वो है रिंग ऑफ रेडियस 0.1 meter. ये रिंग आपके पास, और इस रिंग का जो रेडियस हमें गिवन है r, वो हमें गिवन है 0.1 meter. इज मेड आउट ऑफ ए थिन मेटालिक वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस. इस पर्टिकुलर वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और यू कैन से एरिया है, वो 10^-6 meter square है. द रिंग हैज अ यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ पाई कूलम्ब. ये जो चार्ज आप देख रहे हैं रिंग के ऊपर, ये वाला चार्ज हमें कितना गिवन है, पाई कूलम्ब गिवन है. ओके, फाइंड द चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग. देखिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये, वो ध्यान से देखना आपको. फाइंड द चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग, कि रिंग के रेडियस में कितना चेंज आएगा, कब, when a charge of 10^-8 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. तो सपोज करो रिंग के सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज रखा है वो आपको गिवन है कितना, 10^-8 कूलम, और इसके सर्कमफ्रेंस पे जो चार्ज है वो प्लस पाई कूलम का चार्ज है. ओके, तो जब सेंटर पे हम प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और सर्कमफ्रेंस पे भी चार्ज पॉजिटिव, तो रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी. एक्चुअली पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा ना, सो रिंग क्या होगी, स्ट्रेच. तो स्ट्रेच में तो रेडियस में क्या आएगा, चेंज आएगा. वही चेंज इन रेडियस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ और भी हमें दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, 2 × 10^11. तो वाई भी लिख लीजिए, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो हाउ टू सॉल्व, सेम पैटर्न से हमें सॉल्व करना है. कैसे, कि पहले आप एक रिंग का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे. सपोज करिएगा, बहुत ध्यान से आपको समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा इस एलिमेंट को मैं लार्ज दिखा देता हूँ. एक्चुअल में है ये स्मॉल एलिमेंट ही, बट आप इसे थोड़ा शो क्या कर देंगे, लार्ज एलिमेंट दिखा दो. बट एक्चुअल में आप इस चीज को ना भूलें, इस ये है क्या, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ क्या है dl, और इसके चार्ज को हम क्या मान लेंगे, dq, और इसे एक्चुअली मैंने एक नाम दे दिया ab. सो ध्यान से देखिएगा ये वाले क्वेश्चन को, कि यहां सेंटर पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, और स्मॉल एलिमेंट का चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव. ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो यहां इस स्मॉल पोर्शन डीएल में क्या प्रोड्यूस्ड होगा, टेंशन. स्ट्रेचिंग की वजह से क्या आएगा, टेंशन आएगा, फोर्स आएगा. तो उस
टेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहां टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, ये दैट इज द टेंशन टी एंड दैट इज ऑल्सो द टेंशन टी। बस इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कुछ है तो यही है, टेंशन और यू कैन से फोर्स एक ही बात है कि यहां जब ये वाला चार्ज प्लस क्यू इस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जो स्मॉल पोर्शन डी आप देख रहे हैं इसमें क्या आएगा, स्ट्रेचिंग से क्या आएगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा, उसको हमने टेंजेंशियली क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो आप इस वाले एंगल को भी क्या कहेंगे, थीटा। अब हमें टेंशन को दो कंपोनेंट्स में क्या कर देना है, रिजोल्व कर देना है, एक ये वाला कंपोनेंट इधर, एक ये वाला कंपोनेंट इधर, तो ये आएगा टी कोस थीटा और ये आएगा टी साइन थीटा इन द सेम मैनर। इधर से भी आप क्या करेंगे, इसे रिजोल्व कर देंगे, ये आ गया फिर से टी कोस थीटा और ये इधर आ गया टी साइन थीटा, ठीक है, टी कोस थीटा और टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, जो दोनों टी कोस थीटा है क्या ये अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। बट यहां जो आपके पास है टी साइन थीटा और टी साइन थीटा, टी साइन थीटा और जो कोस कंपोनेंट्स है, एक्चुअली कोस कंपोनेंट हमने क्या कर दी है, कैंसिल कर दी है, बचे कौन, साइन कंपोनेंट, यानी कि टी साइन थीटा और टी साइन थीटा। पर थोड़ा ध्यान से देखना कि जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज इस स्मॉल एलिमेंट के प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है, बाहर की तरफ, और उस फोर्स की वजह से स्मॉल एलिमेंट डीएल में क्या आया, टेंशन टी, और वो टेंशन टी हमने टेंजेंशियली क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है, टेंजेंशियली क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन क्या आएगी कि जब ये वाला चार्ज इस डी क्यू चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो वो वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, यानी कि उस वाले फोर्स को मैंने क्या कह दिया, एफ, और ये वाला एफ टेंशन के इन दोनों कंपोनेंट से क्या कर दिया जाएगा, बैलेंस कर दिया जाएगा। तो होगा क्या, आपके पास आएगा देखो टी साइन थीटा और अगेन टी साइन थीटा, बोथ आर एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर, और एफ काम कर रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, एफ किधर काम कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बेसिकली क्या होगा, टू टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ आएगा। ओके, ध्यान से देखना भी आपको, यहां से अगर ये वाला स्टेप आपके लिए क्लियर है तो मान के चलना आप सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, कैलकुलेशन है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है आपके पास। अगर थोड़ा क्लियरली आपको और मैं कर दूं इस बात को, तो देखिए क्या हुआ कि जब प्लस क्यू चार्ज ने फोर्स एग्जर्ट किया स्मॉल पोर्शन डी क्यू के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करने वाला है, रिपेल करने वाला है। तो रिपल्सन से जो डीएल पोर्शन है उसके टेंशन को रिप्रेजेंट किया हमने पहले, और उस टेंशन को दो कंपोनेंट्स में क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। तो इसके कोस कंपोनेंट्स क्या हो गए, कैंसिल, बचे कौन से कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, बोथ आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, नाउ these two components collectively balances or you can say makes a equilibrium situation with the force F. तो ये vertical upward और ये vertical downward, so F is equals to T sin theta plus T sin theta, क्या होगा, 2T sin theta. But क्या है कि जो आपके पास ये जो angle आप देखो theta, these are very small, it's because of कि जो आपने element लिया वो small element लिया, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2t sin theta को नियरली क्या लिखेंगे, थीटा फॉर द स्मॉल एंगल्स एंड विच इज इक्वल्स टू f। अब आप यहां से एंगल का फॉर्म निकालिए, यहां से एंगल, तो जो बट एंगल होता है r अपॉन रेडियस, यानी कि dl अपॉन r, और यहां से अगर आप थीटा कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, dl अपॉन 2r, थीटा की वैल्यू क्या आई, dl अपॉन 2r। तो यहां से पुट कर लीजिए इस वैल्यू को, 2t इंटू थीटा की जगह रखेंगे dl अपॉन 2r एंड विच इज इक्वल्स टू f, चलिए f की वैल्यू पुट कर लेते हैं अभी हम, तो f क्या आएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्साइलॉन नॉट, स्मॉल एलिमेंट के चार्ज को हमने लिखा है dq से, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल q और इसका डिस्टेंस क्या है r, तो इस पे क्या मेंशन करेंगे, स्क्वायर।
ओके। सो फाइनली 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हुआ। यहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे आप, टी। तो आपके पास टी क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, 1/4πε0dQ^r² (R)/dl आएगा dl, डिवाइड बाय क्या आएगा dl। अब देखिए बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, सिर्फ यही वाले स्टेप को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, बाकी सब कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब क्या आएगा, हमें पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर आप बात करते हैं लैम्डा, तो क्या आएगा dQ/dl, और यहां से dQ निकालेंगे तो क्या आएगा λdl, और लैम्डा को हम क्या लिखेंगे, Q/2πr। रिंग के लिए लैम्डा वैल्यू क्या होगी, चार्ज क्या है, टोटल चार्ज हमारे पास क्या है, सॉरी स्मॉल क्यू है, तो आप इसे क्या लिखिए, स्मॉल क्यू लिखिए, डिवाइड बाई 2πr, और इंटू आपके पास क्या है dl, विच इज इक्वल टू dQ। तो dQ की वैल्यू आप यहां पुट कर लें, तो टेंशन जो है आपके पास आ गया 1/4πε0, dQ की वैल्यू पुट करिए Q/2πr(dl) इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R²(R)/dl। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, क्या कैंसिल होगा देखिए, dl से dl कैंसिल और एक R से R कैंसिल, सो फाइनली क्या बचा, T इज इक्वल्स टू 1/4πε0, दिस इज स्मॉल Q, कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 2πr². ये टेंशन की वैल्यू आ गई, इतना टेंशन हमारे पास स्मॉल पोर्शन dl में क्या करेगा, कम करेगा। ओके, सो 1/4πε0 Q/2πr², लेकिन सिर्फ टेंशन से काम नहीं चलेगा, निकालना क्या है हमें, फाइंड द चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग। कहीं ना कहीं आप इस यंग्स मॉडुलस से इस चीज को हेल्प ले सकते हो कि सर रेडियस में चेंज निकालना और यंग्स मॉडुलस गिवन है, तो देखिए कि यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, और यू कैन से फॉर्मूला क्या होता है, वाई क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिए स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डाइमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डाइमेंशंस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, +1 में यूनिट नंबर 7, इलास्टिसिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उन्हीं में से एक आपके पास यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या है, चेंज इन डाइमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डाइमेंशंस, और यू कैन से चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस। ये लीजिए आपका आंसर आता हो, दिख रहा है कि नहीं, निकालना क्या था, चेंज इन रेडियस निकालना है। तो हमें डेल आर की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट। सो बेसिकली वाई क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज टी बाई ए इंटू डेल आर, और कैपिटल आर ऊपर चला जाएगा, बट हमें तो डेल आर निकालना है। सो डेल आर जब आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, टी इंटू आर डिवाइड बाई ए और इंटू क्या आएगा, यंग्स मॉडुलस। ध्यान से देखिए, एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं आपके पास गिवन ना हो, हमें एक्चुअली टेंशन गिवन नहीं था, वो हमने यहां से क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ओके, देखिए एरिया हमें गिवन है, ये रहा, यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, रेडियस हमें गिवन है, और टेंशन हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। सो बाय पुटिंग दीज ऑल डेटा वी कैन फाइंड आउट द प्रॉपर आंसर, और आई कैन से चेंज इन द रेडियस ऑफ द रिंग, वी जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन प्लीज। है बेटा अपने पास चार्ज प्लस क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। रिंग आपको गिवन है, मैं अभी ड्रॉ करूंगा, टेंशन नहीं लेना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज। हमें एक आर्क गिवन है और इस आर्क के ऊपर प्लस क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है।
ठीक है, इसके सेंटर पे एक चार्ज गिवन आपको प्लस की, और इसका रेडियस जो है वो आपको गिवन है आर, और ये एंगल जो आपको गिवन है ये कितना गिवन है, थीटा गिवन है। ठीक है, तो हमें सोल्व करना इस क्वेश्चन को और इसका क्या फाइंड आउट करना है आंसर। मैं सोल्व नहीं करने वाला इस क्वेश्चन को, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, जिस मेथड से आपने पहले तीन न्यूमेरिकल सोल्व किए हैं, बाय टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंट, पहले आप एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, फिर भी मैं आपको थोड़ा हिंट जरूर दे देता हूं इसका कि कैसे आप इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए, पहले आप इस पर्टिकुलर आर्क को दो पार्ट्स में क्या कर ले, डिवाइड कर ले। कैसे करेंगे, देखिए ये वन पार्ट, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई मान लीजिए, ठीक है, और ये एंगल जैसा कि आपको क्या गिवन है, थीटा, यानी कि ये हो गया थीटा बाई टू और ये भी थीटा बाई टू। तो आप पहले किसी भी एक पोर्शन में एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर लो, जैसे सपोज करिए कि मैंने यहां एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया और उसका चार्ज डी क्यू और इसकी लेंथ क्या है डीएल, और ये लीजिए इसको सेंटर से मिला लेते हैं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजिशन y एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे है, कितने एंगल पे है, फाई एंगल पे, और ये जो एंगल आप देख रहे हो स्मॉल एलिमेंट का वाला एंगल, ये आप क्या मान लीजिए डी फाई, क्या मान लिया हमने डी फाई। अब पहले आप क्या करेंगे कि भाई यहां पे हमें चार्ज गिवन है प्लस क्यू चार्ज, और यहां सर्कमफेरेंस पे आई मीन इसके जो सर्कमफेरेंस पे जो चार्ज हो कैपिटल क्यू है, तो आप इसे कैपिटल डी क्यू ही लिखेंगे, तो ये प्लस डी क्यू और ये प्लस क्यू एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आएगी, आउटवर्ड आएगी, बाहर की तरफ आएगी। अगर ये एंगल फाई है तो आप इस एंगल को भी क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे, और आप फोर्स डी एफ को दो कंपोनेंट्स में क्या कर देंगे, रिजोल्व कर देंगे, तो ये आएगा डी एफ कोस फाई और ये आएगा डी एफ साइन फाई। ओके, अब शायद आपको हिंट मिल रहा होगा कि हाउ टू सोल्व दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। इसके बाद एक एलिमेंट सिमेट्रिकली आप सेकंड हाफ में भी कंसीडर करेंगे, तो जब आप सेकंड हाफ में जिस एलिमेंट को कंसीडर करेंगे वो वाला एलिमेंट भी इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उसके फोर्स की डायरेक्शन भी इधर आएगी, उस फोर्स को भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, और कौन से कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट, बचेंगे कौन, कॉस कंपोनेंट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कौन से कंपोनेंट्स की वजह से आएगा, फोर्स कंपोनेंट्स की वजह से। ओके, इतना ही मैंने आपको दे दिया है, आप डेफिनेटली इसे क्या कर पाएंगे, सोल्व करवाएंगे। स्मॉल फोर्स निकालने के बाद क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में लिमिट्स लगा देंगे आप क्या, माइनस थीटा बाई टू से प्लस थीटा बाई टू। आई होप कि इतना हिंट देने के बाद तो शायद आप इसे क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। और क्या इसका आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारा ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। ओके, बट फिर भी इसका कैलकुलेशन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेटली करवाऊंगा, बट एक कोशिश आप जरूर करिएगा इसे सोल्व करने की। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए हैं, ये हमने किस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के किए हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के किए हैं। अब जो सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आएगा वो आएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपके पास क्या था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा आ रहा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर चार्ज को किसी पर्टिकुलर एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत आसान है यार, मैंने कहा कि थ्योरेटिकली इस टॉपिक का कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट न्यूमेरिकली इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट और जेई एडवांस और मेन। सो इसका एरिया आप मान लो कि क्या है, ए है, होल एरिया आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं ये कौन सा है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर, स्फीयर के सिर्फ सरफेस पे अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसी के पैरेलल हम क्या पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ओके। एंड हाउ टू कैलकुलेट इट फॉर द स्मॉल एलिमेंट, फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, डी क्यू बाई डी ए। एंड व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ सिग्मा, एस आई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे हमने फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे उसके लिए, हूबहू हम उसी वाले कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कैसे आप उसे सोल्व करेंगे, देखिएगा अभी आप और हम इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डील करते हैं पहले, और उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा हाउ टू कैलकुलेट फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए पॉइंट चार्ज, ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट। सो हाउ टू कैलकुलेट इट, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस सरफेस का एरिया हमने क्या मान लिया, ए, और इसका चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है, कैपिटल क्यू। और इस स्मॉल पोर्शन की वजह से हमें किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट पे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो जो काम आपने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किया है वही हम किसमें करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। वही हम कहां करने वाले हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करने वाले हैं। तो क्या करेंगे, इसका एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए आप, ये लीजिए, और इस स्मॉल एलिमेंट का चार्ज क्या हो जाएगा, डी क्यू, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी। तो पहले आप क्या करेंगे, इस डी क्यू पोर्शन की वजह से क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो डी क्यू पोर्शन की वजह से आप फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, डी एफ 1/4πε0, दिस इज क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर और इंटू क्या आएगा, आर यूनिट वेक्टर। टोटल फोर्स निकालने के लिए कि भाई इस क्यू नॉट चार्ज पे होल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना फोर्स लगाएगा, उसके लिए आप इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे विद प्रॉपर लिमिट्स। सो इंटीग्रेट करेंगे तो डीएफ का इंटीग्रेशन तो क्या आएगा आपके पास, एफ इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस। सो दिस इज 1/4πε0, दिस इज क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वेयर और इंटू क्या आएगा, आर यूनिट वेक्टर। और शार्पली आप इसे शो करना चाहो तो आप इसे यूज कर सकते हो, क्या, कौन से कॉन्सेप्ट को, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, फॉर स्मॉल एलिमेंट डी क्यू बाई डी ए, और यहां से डी क्यू निकालेंगे तो सिग्मा डी ए, ये वैल्यू उठाओ यहां पुट कर लो, तो आपके पास फाइनली जो फोर्स आ गया इंटीग्रेशन ओवर होल सरफेस एस क्या आएगा, 1/4πε0 क्यू नॉट, और डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा डी ए डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर, ओके। सो ये क्या आ गया, ये आ गया फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट बाय द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन, और हम इसका क्या डिस्कस करेंगे अभी, न्यूमेरिकल, फिर हम डिस्कस करेंगे किसको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उसके न्यूमेरिकल का, ओके। तो इसे होल्ड करिए और पॉज कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये है आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और इसका रेडियस हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, एंड हैज ए नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2q। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है, 2q है। ए कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस ए
एंड आउटर रेडियस, आई मीन इनर रेडियस बी एंड आउटर रेडियस सी इज कॉन्सेंट्रिक विद सॉलिड स्फीयर एंड हैज अ नेट चार्ज माइनस क्यू. सो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो ये वाला न्यूमेरिकल कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया. इनर और आउटर सरफेसेस का हमें क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का इंपॉर्टेंट है. देखिएगा ये है आपके पास कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, ठीक है. इसका जो इनर रेडियस है वो हमें गिवन है बी और इसका जो आउटर रेडियस है वो आपको गिवन है सी. सो निकालना क्या है, इसके इनर रेडियस और आउटर रेडियस का सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है. जबकि ये कंडक्टिंग स्फीयर आपके पास, इसके पास चार्ज क्या है, प्लस टू क्यू. अब ध्यान से देखिए, हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंडक्शन. इंडक्शन में क्या होगा कि इंडक्शन की वजह से इसके नियर फेस पर चार्ज कैसा इंड्यूस्ड होगा, माइनस टू क्यू, और इसके फार फेस पे चार्ज कैसा इंड्यूस्ड होगा, प्लस टू क्यू. जबकि इसके बाहर वाले सरफेस पे ऑलरेडी चार्ज कैसा भी है, माइनस क्यू भी है. यानी कि अगर आउटर सरफेस के नेट चार्ज को आप देखेंगे तो प्लस टू क्यू तो आ गया इंडक्शन की वजह से और माइनस क्यू ऑलरेडी आपको गिवन है. तो बाहर जो चार्ज बना वो कितना बना, प्लस क्यू बना. बस यही खास बात है इस न्यूमेरिकल में जो इसको कुछ डिफरेंट बनाती है अदर न्यूमेरिकल से. तो हम कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर स्फेरिकल शेल, सिग्मा ऑफ इनर स्फेरिकल शेल. सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो इनर पोर्शन का चार्ज कितना है, माइनस टू क्यू, और सरफेस एरिया क्या आएगा, फोर पाई आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर यानी कि बी स्क्वेयर. ये आ गया इनर पोर्शन का सरफेस चार्ज डेंसिटी. और अब आप निकाल लीजिए सिग्मा ऑफ आउटर पोर्शन. तो आउटर पोर्शन पे चार्ज कैसा है, प्लस क्यू, और इसका जो रेडियस है आपके पास वो क्या है, सी. तो इसे क्या करेंगे, सी स्क्वायर लीजिए आपका आंसर है. तो जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन प्लीज. अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके. एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज को किसी भी वॉल्यूम पर एंटायरली क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए. ये लीजिए एक क्यूबिकल बॉडी है, इसके अंदर और बाहर हर जगह हमने चार्ज को क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके. और इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग हम किसे भी पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को. तो मान लो इस बॉडी का वॉल्यूम कितना है, वी, और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, प्लस क्यू, ओके. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लिखते हैं रो से, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. तो चार्ज अपने पास कितना है, क्यू, और वॉल्यूम हमने क्या मान लिया, वी. सो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज कूलम और वॉल्यूम आपके पास क्या है, मीटर क्यूब. तो कूलम पर मीटर क्यूब क्या बन गया, इसका एसआई यूनिट बन गया. फाइनली एक चीज आप और जान लें क्या, कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज क्यू नोट पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है. तो कैसे हम फोर्स निकालेंगे वो आप देखिएगा यहां कि सपोज करिएगा कि आपके पास यही एक बॉडी है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम आपको पता है वी है, इसके एंटायर वॉल्यूम पे चार्ज प्लस क्यू को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है,
तो इसका वॉल्यूम हमने क्या मान लिया v, और इसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस q। तो इसके स्मॉल पोर्शन को कंसीडर करिए, आप स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करो, और स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है dv, और इसका चार्ज क्या होगा dq। और इस पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट की वजह से पहले आप किस पे फोर्स निकाल लो, क्यू नोट चार्ज दे दो उसमें निकालो। देखिए हर जगह कॉन्सेप्ट वही है आपके पास कि पहले हम स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके क्या निकाल लेंगे टोटल फोर्स निकाल लेंगे। तो पहले आप स्मॉल फोर्स निकाल लीजिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, डीएफ क्या आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर, और इनटू आपके पास क्या आएगा आर यूनिट वेक्टर। ओके, अगर आप टोटल फोर्स निकालेंगे तो इसको ओवर द होल वॉल्यूम क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, तो डीएफ का इंटीग्रेशन क्या आ गया एफ आ गया। ठीक है, दिस इज क्यू नॉट डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर एंड इंटीग्रेट इट विद ओवर द होल वॉल्यूम एंड वी गॉट द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज क्यू नॉट by the volume charge distribution, we can use the value of dq also. कैसे use करेंगे, हमें पता है कि भाई जो आपके पास volume charge density है वो क्या है rho, small element के लिए क्या लिखेंगे dq by dv, और यहां से dq calculate करेंगे तो क्या आएगा rho dv, ये वाली value उठाओ यहां put करो, तो आपके पास यही वाला step और क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है f is equals to integration over whole volume v, this is 1 upon 4 pi epsilon naught q naught, or dq ko hum likhenge rho dv divided by r square or into r unit vector. So this is all about the volume charge distribution, you just pause it and note down. But finally ab hum yahan ek numerical discuss karenge jo bahut important hone wala hai, kaun sa distribution ke liye volume charge डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, यू जस्ट नोट डाउन इट प्लीज। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास वो क्या है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर वन, एक सॉलिड स्फीयर गिवन आपको और उसका रेडियस हमें क्या गिवन है आर वन गिवन है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी आपके लिए, एक सॉलिड स्फीयर आप कंसिडर करिए और इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या गिवन है आर वन, एंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is rho naught by r। देखिए ये है important, means कि ये uniform charge density का question नहीं है, यहाँ volume charge density distance के साथ क्या कर रही है vary कर रही है, change हो रही है। So इसका जो volume charge density है बोले तो rho, वो हमें क्या given है rho naught by r, is enclosed by a holosphere, is enclosed by a holosphere ऑफ रेडियस आर टू, और ये रेडियस हमें क्या गिवन है आर टू गिवन है विद नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसा है नेगेटिव, सच दैट टोटल चार्ज इन द सिस्टम इज जीरो। कि सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है जीरो है, और हमें निकालना है फाइंड द रेशियो आर टू बाई आर वन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आप यहां देख रहे हैं क्या, कि जब आपके पास जो डेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ क्या कर रही है वेरी कर रही है, एंड हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू जस्ट प्ले विद मी विद दिस न्यूमेरिकल। ओके लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है, हमें इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है फिक्स्ड है माइनस सिग्मा, तो आप यहां डेफिनेटली क्या निकाल सकते हैं चार्ज निकाल सकते हैं। तो पहले आप इसी को कम कर ले, क्या निकाल रहे आप चार्ज ऑन द आउटर, जो आपके पास R2 रेडियस का स्फेरिकल सेल है होलोस्फीयर है इस पे चार्ज निकाल लो, चार्ज ऑन आउटर होलोस्फीयर। अब देखिए सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया यानी कि 4 पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर यानी कि R2 स्क्वायर, और यहां से क्योंकि ये माइनस है तो Q2 आप जब निकालेंगे Q तो आपके पास आएगा माइनस सिग्मा 4 पाई R2 स्क्वायर, इतना चार्ज
प्रेजेंट है कहां? आउटर होलोस्फीयर की सरफेस पे। बट हमें कौन गिवन नहीं है, चार्ज ऑन इनर होलो आई मीन सॉलिड स्फीयर, और उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से और किसी आर डिस्टेंस के ऊपर, किसी आर डिस्टेंस के ऊपर हम एक होलो स्फीयर कंसीडर करते हैं। क्या कहा मैंने, होलो स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो ये आपने होलो स्फीयर कंसीडर कर दिया, ये ठीक है। और इसका जो थिकनेस है ना, थिकनेस, ये थिकनेस वो मैंने मान लिया दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। सॉलिड स्फीयर में इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हम चले, आर डिस्टेंस पे चलने के बाद हमने डीआर थिकनेस का एक होलो स्फीयर कंसीडर किया और उसका रेडियस आपके पास क्या है, आर है। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो वेरिएबल है, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट बाई आर। कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले स्टेप को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर होगा सब कुछ। देखिए, एज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके टोटल चार्ज को मैंने मान लिया क्यू वन, और इसके वॉल्यूम को मैं क्या लिखूंगा, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस, यानी कि 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू डी आर। और यहां से क्यू वन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो। एक्चुअली इसके चार्ज को किसी और से रिप्रेजेंट कर लेते, क्यू वन डैश से कर लेते हैं, क्यू वन डैश। ओके, तो क्यू वन डैश यहां से क्या आएगा, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर। या फिर आप क्यू वन को आपकी मर्जी, आप क्यू वन से बी से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऑलरेडी अगर आपने मेंशन किया हुआ है तो। और इसको प्रॉपर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो प्रॉपर जब आप इसे इंटीग्रेट कर, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, जीरो से और आर वन तक, जीरो से आर वन तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉलिड स्फीयर का डेंसिटी वेरिएबल चेंज हो रहा है। अगर ये फिक्स्ड होता तो अपन डायरेक्टली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते और चार्ज निकाल लेते, जैसा कि हमने यहां निकाल दिया। बट यहां पे चार्ज क्या नहीं है, आई मीन डेंसिटी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस के बाद क्या कर रही है, वेरी कर रही है। कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर वन तक। ओके, सो इसे हम प्रॉपर क्या कर लेते हैं, सो तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। सो क्यू वन जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिएगा, रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर था, रो की वैल्यू पुट कर लो, रो नॉट बाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो नॉट बाई आर, और इंटू आपके पास क्या आ गया, डी आर, इंटीग्रेशन जीरो से आर वन। देखिए एक आर से एक आर आप क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। सो आपके पास आ गया क्यू वन इज इक्वल्स टू जीरो से आर वन, रो इंटू 4 पाई आर, रो नोट इंटू डी आर, और यहां से कॉन्स्टेंट्स को सबको बाहर लिख दो और इंटीग्रेट कर लो इसको। रो बाहर आएगा, 4 पाई आर बाहर आएगा, और सॉरी 4 पाई बाहर आएगा, रो नोट बाहर आएगा। दिस इज पाई इंटू फाई, रो इंटू 4 पाई इंटू रो नोट, इंटीग्रेशन जीरो से आर वन, क्या बच गया, आर डी आर। तो दिस इज रो इंटू 4 पाई रो नॉट, ओ आई एम रियली सॉरी। देखिए रो की वैल्यू तो हम पुट कर चुके हैं, क्या, रो नॉट बाई आर, तो रो को हम साथ ले लेंगे यहां, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि रो यहां से हटा लीजिए, ठीक है, रो नहीं आएगा क्योंकि रो का तो वैल्यू पुट कर दिया ना हमने, रो नॉट बाई आर, इसे इंटीग्रेट कर दो तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे, उसी पावर से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जीरो से आर वन। सो फाइनली आपके पास क्यू वन जो आ गया, 4 पाई रो नोट 1 प्लस 1, 2 को बाहर लिख दो, क्या आ गया, आर स्क्वेयर जीरो से आर वन, ठीक है। सो ये आ गया यहां से 2, आर वन वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसे आप क्या लिख देंगे इस वाले स्टेप को, ये आ जाएगा आर वन स्क्वेयर, ये 2 कैंसिल हुआ तो यहां पे क्या बच गया, 2 बच गया। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई,
Q1 चार्ज की वैल्यू होगी। जो सॉलिड स्फीयर आपके पास, ये वाला सॉलिड स्फीयर जो है, इस पर जो चार्ज है Q1, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास +2π रो नोट R1 स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि टोटल चार्ज सिस्टम का क्या है, जीरो है, तो Q1 प्लस Q2 को आप क्या करेंगे, जीरो इक्वल रखेंगे। अब चले मैं यहाँ इसको फर्दर सोल्व कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि कंफ्यूजन में ना आए, आप इधर सोल्व कर देते हैं। टोटल चार्ज सिस्टम का क्या है, जीरो, तो सिस्टम की टोटल चार्ज को जीरो पुट कर दो। सो दिस इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जीरो। Q1 की वैल्यू क्या आपके पास, ये रही, दिस इज 2π रो नॉट R1 स्क्वायर प्लस, और यू कैन से माइनस सिग्मा 4π R2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा, 2π रो नॉट R1 स्क्वायर सिग्मा 4π R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमें क्या निकालना है, R2 बाई R1 निकालना था, तो R2 बाई R1, सो दिस इज R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू रो नॉट बाई रो, और इनटू आपके पास क्या है 2। स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, कैंसिल होगा, तो फाइनली क्या आ गया, R2 बाई R1 विच इज इक्वल टू रूट 2 रो नॉट बाई रो। यू जस्ट पॉज इट एंड नोट डाउन पॉज। और यहां से 1/√2 को आप चाहें तो बाहर भी लिख सकते हैं, तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा, R2/R1 दिस इज 1/√2 अंडर रूट रो नोट बाई रो, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू, एंड रियली आई एम ग्रेट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर व्यूइंग और वॉचिंग माई लेक्चर कंप्लीटली। थैंक यू सो मच।